आई थिंक सो उनका भी हो गया है। कितना है भाई? 50 रुपया एक का। नमस्ते दोस्तों एंड वेलकम टू माय चैनल। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे बारिश हो रहा है और एवरी टाइम जब बारिश होता है तो उस टाइम पे मुंबईकर्स जो है वो अपने इंजन को प्रोटेक्ट करने के लिए एक प्लास्टिक सॉर्ट ऑफ जो होता है कवर आगे लगाते हैं जिससे इंजन पे जो है वो कीचड़ ना लगे। इसके अलावा भी जो है वो ये है कि मैं यहाँ पे आगे भी कवर डालने वाला हूँ, पिछली बार मैंने नहीं डाला था, और यहाँ पे इंजन के ऊपर भी कवर डालने वाला हूँ ताकि जो है वो मेरे इंजन जो टैंक है उसके अंदर पानी नहीं जाए। मे भी ये सेम चीज़ जो है वो आपके यहाँ पे हो नहीं हो उसका तो मुझे आइडिया नहीं है, पर मुंबई में यहाँ पे अवेलेबल है। रीज़न ये है कि मुंबई में बारिश बहुत ज़्यादा होती है और कभी कभी तो कंटिन्यूस स्ट्रेट 12 घंटे से 24 घंटे तक बारिश होती है। तो उस सिचुएशन में अगर आपको बाइक को बचाना है तो ये सारी चीज़ें ऐड करनी पड़ेगी। जैसे आपने देखा कि मैं जो है वो बाइक ज़्यादा फास्ट नहीं चला रहा हूँ और जो है वो साइड से लेके जा रहा हूँ। बारिश में एनी टाइम कुछ भी हो सकता है। आप यहाँ पे देख रहे हो ये जो बंदे लोग हैं वो कवर लगा रहे हैं। ये जो कवर है वो आप देख सकते हो कि आगे का व्हील से जो इंजन पे गंदा कीचड़ लगता है उसको बचाता है। इसकी वजह से एक चीज़ है कि इंजन गर्म होता है, पर बीच में अगर आप वैसे स्क्वायर होल कर दो तो वहाँ से एयर फ्लो बराबर होगा तो जिसके वजह से प्रॉब्लम नहीं होगा। दूसरा चीज़ है कि आप बाइक जो है वो ज़्यादा स्पीड नहीं चला सकते, लेकिन ऑफ कोर्स अगर इंजन बेटर है तो आप जो है वो बाइक ज़्यादा टाइम तक चला सकते हो और आपका जो बाइक है वो ज़्यादा साल टिकेगा। दूसरा चीज़ है कि मैं एक ऑलवेज ये साइड में और ये साइड में दोनों साइड में जो है वो ये प्लास्टिक फॉइल ऐड कर देता हूँ, जिसके वजह से ये होता है कि जब कोई पीछे पैसेंजर बैठता है या फिर पीछे के टायर के वजह से जो है वो कीचड़ लग के कपड़े जो है वो ख़राब नहीं होते। आई थिंक सो उनका भी हो गया है। कितना है भाई? 50 रुपया एक का। कम नहीं कुछ? 110 रुपया दूंगा। 110 सर देखो अभी आपके सामने है ना, मैं 150 में ला रहा। पर अभी छुट्टा नहीं है भाई। कितना है आपके पास? 110 तो वैसे 120 होता है ना। तो 50 रुपये एक किसका बोल रहा था वो। बारिश में जो है वैसे भी आप जो है वो गोप्रो लगा के जाओगे तो ये चीज़ है कि गोप्रो के लिए भी अच्छा नहीं, आपके लिए भी अच्छा नहीं है, क्योंकि कभी आपको जो है वो व्यू नहीं मिलता है और जिसके वजह से जो है वो प्रॉब्लम हो जाता है। ये जो है वो उसको ग्रिप करके रखता है। मेरे बाइक में पीछे का जो पार्ट है वो ऑलवेज थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है, क्योंकि यहाँ पे जो है वो बहुत सारा चीज़ होता है तो ये लोग जो है वो कट करके अपने हिसाब से फॉइल ऐड करते हैं। इसके पीछे जाएगा? हाँ ठीक है चलेगा।
दोस्तों अभी ये जो चीज़ है लग गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप सो जो है आपको इस वीडियो में कुछ नया चीज़ देखने मिला। अगर आपको कोई वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ डू लाइक इट।